हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल नवी क्लासेस वंस अगेन। ये वीडियो है आपके लिए, बहुत ही खुशखबरी है इसमें कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो कि 42/21 कोड का जो अभी तक रिजल्ट पेंडिंग था वो DSSB ने आज घोषित कर दिया है। आप देख सकते हो ये नोटिस डेटेड 30th of September है और इसमें जो है काफ़ी कुछ कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शन हुआ होगा, क्योंकि जो 47/21 था उसमें पोस्ट कम थी और इसमें जो है पोस्ट ज़्यादा थी। इन टोटल जो है 434 वैकेंसीज यहाँ पर थी, जिसमें से अनरिजर्व्ड जो थी वो 313 वैकेंसीज थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था इसका, वो आपका मार्च के मंथ में हुआ था और इन टोटल जो है 60,489 कैंडिडेट्स जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। और जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे वो अपना रिज़ल्ट जो है वो DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ dssbonline.nic.in से अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करना है, आपने आप वहां पर जाकर के जैसे आप फॉर्म फिल करते हो वैसे ही आपने अपने अकाउंट में साइन इन करना है। साइन इन के बाद जब भी जो इंटरफेस खुलेगा उसमें आपको ऊपर टैब्स मिलेंगे, उसमें एक रिज़ल्ट का टैब मिलेगा। रिज़ल्ट में डिफरेंट बैचेस देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको जो है जिस पर भी आप टिक करेंगे आपको एग्ज़ाम का आपका पूरा आ जाएगा कि सेक्शन ए और बी में आपने कितना स्कोर किया है, इन टोटल स्कोर कितना है, और अगर आप सिलेक्टेड हैं तो उसमें यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड आ जाएगा। तो बहुत ही इजी है, आप खुद जल्दी से अपना रिज़ल्ट जो है चेक कर सकते हैं। अपने आपकी कितना स्कोर रहा वो वीडियो के कमेंट में ज़रूर डालना ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी कंपेयर कर सकें। और इसमें जो है जो परफॉर्मेंस थी उसमें टोटल इस टेस्ट में उसके हिसाब से टोटल 1817 कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स जो है कट ऑफ से ज़्यादा या कट ऑफ के इक्वल हैं, दे हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड। इनमें से ये नहीं है कि आपको शॉर्टलिस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब पक्की है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कुछ कैंडिडेट्स को वहाँ पर निकाला जाएगा। तो अगर आपका स्कोर जो है काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा ग्रेस है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर आप पॉइंट पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। वेटिंग लिस्ट में जो है काफ़ी कैंडिडेट्स आएंगे, कुछ जो है वो 47/21 में भी सिलेक्ट हो गए थे, तो वो कैंडिडेट्स भी यहाँ से जो है निकलेंगे, तो आपकी रैंक जो है थोड़ा और ऊपर आने के चांसेस हैं। अगर कट ऑफ की बात करें तो 200 मार्क्स का ये पेपर था और इसमें जो कट ऑफ गया है वो नेगेटिव मार्किंग के साथ जो है रिज़ल्ट प्रिपेयर करने के बाद वो गया है 154.31 फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। EWS के लिए गया है 147 मार्क्स। OBC SC ST PWD जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप अपना देख सकते हो कि कितना हाई जो है कट ऑफ गया है। उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने रिजल्ट से उनको संतुष्टि मिले, काफ़ी अच्छा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो आप आगे आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि सेक्शन में आपके कम मार्क्स रहे हैं उसी के लिए आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को अपने फ्रेंड्स को भी उनको भी शेयर करें, वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।